फाइनल स्पीच के लिए मैं दावा देना चाहूंगा आपकी भरपूर तालियों में वेरी यंग एनर्जेटिक टैलेंटेड चेयरमैन एपीएम होल्डिंग्स अबू बकर मलिक साहब, भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए अबू बकर मलिक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी तमाम दोस्तों का बहुत मैं मशहूर हूँ कि आप लोग मेरे लिए तशरीफ लाए। आप लोगों के वक्त का मैं बहुत आपका कीमती वक्त आप लोग मेरे लिए आए जी, आप लोगों की बहुत बहुत मेहरबानी जी सबका। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप दिल से और नेक नीति के साथ, हमने एक पौधा लगाया जिसका नाम है एबीएम होल्डिंग्स। ये पौधा जी बेसिकली एक सोच है और ये सोच एक दिन पे मुहित नहीं है। ये सोच मेरी, मतलब मेरी उम्र 29 साल है, मैं 20 साल की उम्र में इस काम में आ गया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ले आया था। तो 20 साल की उम्र से मैं इस रियल स्टेट इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ जी मैं, और मैंने एक घर से ये काम शुरू किया था। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे मेरी माँ की दुआ, मुझे मेरे बड़ों की दुआओं का नतीजा है कि मैं आज यहाँ पर आपके सामने मौजूद हूँ। तो मैं, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 5 मिनट मुझे मौका दें बोलने का प्लीज़, और अगर आप मुझे मौका दें तो मुझे 5-10 मिनट लग जाएंगे। आप अलाउ करते हैं मैं बोलूं? बोर तो नहीं होंगे? अच्छा, तो मैंने ये काम शुरू कैसे किया था रियल स्टेट का? मेरी एजुकेशन है जी, मैंने बीएससी किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में। पढ़ाई से मैं भाग गया था, पढ़ाई से मेरा दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं है। ए लेवल्स मैंने किया था, तो उसके बाद जी मैं वालिद साहब के पास गया। मैंने कहा जी मैंने काम करना है, तो उन्होंने कहा बेटा ये अमाउंट है, इस पर तुमने घर बनाना है या प्लॉट लेना है या पढ़ाई करनी है, कर लो जाकर। मैंने जी वो प्लॉट, मैंने कहा जी जो मिलता लगो। मैं 3 लाख का प्लॉट ला के 60 लाख उत्ते लाया, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने फिर बरकत पा दी थी, मुझे माशाल्लाह 2-3 मिलियन पैसे बच गए। मैं तब पढ़ रहा था, एलेवन्स में था। तो फिर मैंने उस दौरान ये इरादा किया और तहिया किया कि यार कारोबार और तजारत करनी चाहिए, ये सुन्नत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का एक करम होता है हर इंसान पर, यह हर इंसान पर एक अल्लाह ताला का खसूसी करम है कि अल्लाह ताला किसी को ये शर्फ बख्शता है कि इंसान जदोजहद करता है और अल्लाह ताला उसको उसकी बाजू पकड़ लेता है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आप लोगों को बताता हूँ, नीयत है। नीयत हमारी इस फील्ड में, हमारी इस रियल इंडस्ट्री की फील्ड में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो नीयत है। हम लोग क्या सोचते हैं, हमारी सोच डिफरेंट है। आप लोग शायद मेरी बात से इत्तफाक करें या ना करें, लेकिन मेरी एक सोच है कि हम किसी के साथ जुल्म और ज्यादती ना करें इस फील्ड में। हम लोग क्या करते हैं, 50 लाख वाली चीज़ 70 लाख रुपए की तो बेच देते हैं, लेकिन उसकी प्राइस होती है 55 लाख रुपया। 15 लाख रुपया जेब में डालकर तो रात को खाना खाते हैं फैमिली के साथ, लेकिन वो 15 लाख रुपया किस बंदे ने कमाया है हमें उस बात का अंदाजा नहीं होता। तो हमारी सोच ये है कि यार मिल बांट कर खाओ, सारे मिल बांट कर खाओ, इसमें सुन्नत भी है बरकत भी है। तो मैं ये आप लोगों को बात बावर करा दूं जी कि ये अल्लाह ताला का हम पे करम है कि अल्लाह ताला ने हम पे ये करम किया है कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, फिर अली रियाज साहब का शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनके लिए काम करूँ, मैं उनके साथ काम करूँ। मेरे लिए ये बहुत फ़ख्र की बात है। मैंने जी एक प्लॉट से शुरू किया था और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने वो मेरा सफ़र कहाँ से शुरू किया और कहाँ पर ख़त्म करेगा, वो तो अल्लाह ताला को पता है। लेकिन जब सफ़र शुरू हुआ था तो मुझे नहीं पता था, इन्हीं सड़कों पर मैं एक एक फाइल के लिए खड़ा होता था जी, इन्हीं सड़कों पर। तो ये आज मेरे रब की मेरे पे करम नवाजी है, ये आज मेरे रब की करम नवाजी है मेरे पे कि अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी मेरे पे सौंपी है। उस जिम्मेदारी को मैं भरपूर तरीके के साथ निभाने की पूरी कोशिश करूँगा जी। और मैं आप सब अपने मेम्बर्स जो यहाँ पर तशरीफ लाए हैं, मैं आप लोगों से एक वादा करूँगा कि मैं आप लोगों के साथ, देखिए इस काम में बहुत झूठ है। मैं बार बार इस बात का जिक्र क्यों करता हूँ, क्योंकि इस काम में वाकई झूठ है। हम रियलाइज नहीं करते कि हम किसी के साथ ज्यादती क्यों करते हैं। तो यार मुनाफा उतना कमाओ जितना हक है, हलाल है,
उसके बाद अगले को कमाने का मौका दो। एक चीज है उसको अगर हम 10 लाख है तो 5 बंदे मिलकर कमा लेंगे तो यार उसमें कितनी बरकत, और 5 बंदों का रिजक 5 रोजगार कमाएंगे यार। बनस्बत एक ही एक बंदा 10 लाख का जेब में डाले और फिर वो बाद में हम बदुआ लें उस बंदे की कि यार आपने हमें ये चीज इतनी महंगी दे दी। गाहक भी गया, अल्लाह ताला भी नाराज हो गया। तो सबसे पहले यार मेरी तो रिक्वेस्ट है अपने सब भाइयों से, सब मेंबर्स के साथ, कि हम बैरिया टाउन का बाजू बने, बैरिया टाउन के लिए कुछ करें, अली रियाज साहब के लिए कुछ ऐसा करें कि वो हमारे से खुश हों, अल्लाह ताला हमारे से खुश हो। और अल्लाह ताला तब खुश होता है कि जब हम अपनी नीयत साफ कर लेते हैं। नीयत साफ कर लो। मैं आपको एक वाक्या सुनाता हूँ। मैंने 5 साल सिटी हाउसिंग में काम किया जी। 5 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह उसके पैरेलल में बैरिया टाउन में भी काम कर रहा था। यार ये ड्रोन थोड़ा पीछे कर दे प्लीज। मैं बैरिया टाउन में भी काम कर रहा था, पैरेलल सिटी हाउसिंग में भी कर रहा था, साथ कंस्ट्रक्शन भी कर रहा था। तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे, मेरे पास बहुत थोड़े पैसे होते थे। तो मैं जब दफ्तर में बैठता था और सुबह माँ की दुआ लेकर जाता था तो मुझे समझ नहीं आती थी कि मेरे पास ग्राहक कहाँ से आते हैं। वो फिर ग्राहक नहीं बन जाते, वो फिर मेरी फैमिली मेंबर बन जाते थे। तो मैं आप लोगों को अपने कुछ दोस्तों से ज़रूर मिलवाना चाहूँगा जो मेरे पुराने साथी थे, जिन्होंने जिनके साथ मैंने काम शुरू किया, जो मेरे पहले इन्वेस्टर थे और दूसरे इन्वेस्टर थे। मैं जमील साहब आपको, मियां इश्फाक साहब आपको, राना आसिफ साहब आपको दावत देता हूँ, प्लीज़ आप आएँ, प्लीज़ आएँ सर, मुझे खुशी मिलेगी। मैं अपने पुराने साथियों को कभी भूलता नहीं हूँ। ये जमील भाई हैं, ये मेरे पहले इन्वेस्टर थे। मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो इनका ताल्लुक मेरा 1 हफ्ते का था, और इस बात का अलग अलग हुआ है कि इन्होंने मुझे 6 करोड़ रुपया 23-24 साल के बच्चे को देकर चले गए, और मुझे आज समझ नहीं आती कि आपने मुझे दिया क्यों था। तो ये मेरे पहले इन्वेस्टर हैं और ये मेरे फैमिली के मेंबर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल हो गए ये मेरे मेंबर हैं। ये राना आसिफ साहब हैं, अगर मैं गिनवाने पे आऊँगा तो टीम बहुत बड़ी होती जाएगी, लेकिन मैंने 2 इसीलिए बताए कि जो मेरे करीबी हैं, जिन जो मेरे दिल के करीब हैं, तो वो ये हैं दोनों तीनों। तो मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ एक वादा करता हूँ, बात को मुख्तसर करूँगा कि आप लोगों ने अब मेहनत करनी है, दिल से करनी है। ये मैं आप सबको प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दिल से मेहनत करनी है। और प्लीज़ झूठ छोड़ दें यार, प्रॉपर्टी के काम में बहुत झूठ है। मैं ये नहीं कहता कि फरिश्ता बन जाए, लेकिन कम से कम झूठ बोलें। इतनी बरकत डलेगी कि नुकसान मेरे से लीजिएगा, अगर आपका नुकसान हुआ तो कभी नुकसान नहीं होगा। और मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, ये 1 मिनट की बात रह गई है, एक अबू बकर मलिक यहाँ पर खड़ा हुआ है, एक अबू बकर मलिक यहाँ पर खड़े हैं सारे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सारी एपीएम होल्डिंग है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ताला ये आपको वक्त साबित करके बताएगा, बातों से नहीं, वक्त साबित करता है, वक्त सबका बादशाह है, वक्त साबित करता है इंशाल्लाह ताला। तो एक गुड न्यूज़ भी आप लोगों को दे दूं कि इंशाल्लाह ताला एबीएम होल्डिंग्स का अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन मेरे अल्लाह के करम से अली साहब ने जिम्मे लगाया है, दैट विल बी बैरिया टाउन पेशावर, इंशाल्लाह विल बी कमिंग सून।